जेपी नड्डा गड्ढा खोदने का काम करते हैं। टूल किट की बात करना, कह रहे टूल किट है राहुल गांधी। जेपी एक टूल किट पार्टी है, जेपी नड्डा के घर के बाहर मौजूद है, ये जेपी नड्डा का घर है। अडानी को बचाने के लिए शर्म आना चाहिए इस सरकार को। जेपी नड्डा मुर्दा पर। नरेंद्र मोदी ने साउथ कोरिया में क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला, दोवा में क्या बोला, विदेशों में जो इनके टूल किट चल रहे हैं इनके ये भागीदारी है। नरेंद्र मोदी को मांगने चाहिए और इनका सारे मंत्रिमंडल। देखिए इस वक्त हम जेपी नड्डा घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता घर के सामने आकर बैठ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बयान दिया राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी को राष्ट्र विरोधी टूल किट का हिस्सा बताया, उसके बाद अब तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। जेपी नड्डा के घर के बाहर मौजूद है, ये जेपी नड्डा का घर है और उसके ठीक सामने तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि पुलिस प्रशासन तमाम लोगों को, देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए, श्रीनिवास बीबी जी एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको उठाया गया है। ये देखिए तस्वीर में देखिए ज़रा कि ये यूथ कांग्रेस के, देखिए ये जेपी नड्डा को और बीजेपी वाले को आईना दिखाने के लिए जो किस तरीके का बीजेपी ने माफी मांगने का बात कर रहा है, माफी क्यों बात करेगा मांगेगा? राहुल जी गलत गलत बोले तभी तो माफी मांगे, माफी मांगने का काम इन लोगों का। तमाम कार्यकर्ताओं को जो है बस के अंदर भरा जा, देखिए माफी मांगने को आईना दिखाने के लिए आया, हमने आईना दिखाने के लिए आया है, जो इनको घर में एक बार देखे, इनका बयान को देखे और मोदी को देखना चाहिए, राहुल जी को माफी मांगने को कहता है। राहुल जी क्या गलती किया, गलती किया तभी माफी मांगना है, तो माफी मांगने का इनके खून के अंदर है, जानबूझ के किस तरीके के मोदी राहुल जी को बार बार माफी मांगने को कह रहे हैं। यह दोस्ती निभाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए और खुद ही सरकार होते हुए भी पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, शर्म आना चाहिए इस सरकार को। जेपी नड्डा मुर्दाबाद, माफी जेपी नड्डा को मांगना चाहिए, नरेंद्र मोदी को मांगना चाहिए और इनका सारे मंत्रिमंडल माफी मांगना चाहिए। जेपी नड्डा मुर्दाबाद। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां पर डिटेन किया जा रहा है और सामने देखिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूद थे जेपी नड्डा घर के बाहर, सभी को अब डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो उनको खींचकर अंदर ले गई, ये देखिए अंदर लेकर गई है पुलिस और तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है जेपी नड्डा के घर के बाहर से। उनका कहना है हाँ देखिए कि देखिए ये जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करने का काम करता है और माफी सरकार को मांगना चाहिए, जो किस तरीके का जो आवाज संसद से लेके सड़क तक आवाज को म्यूट करने का काम किया है, म्यूट तंत्र को बंद करो, सरकार को शर्म आना चाहिए। माफी मांगने के लिए गलती किया क्या, माफी मांगने का इनका खून के अंदर है, इनके पार्टी का लोग का है माफी, ये लोग खुद मांगना है माफी। राहुल जी ने माफी क्यों मांगता है, नहीं माफी क्यों मांगता है, कोई गलत किया तभी माफी मांगेगा ना, कोई गलती नहीं किया तो माफी क्यों मांगेगा। वो उनका सारे बयान एक बार घर पे आईना पे वो लोग देखे, बाद में माफी मांगने का काम करें, एक बार उनका गलती को उनका बयान को, नरेंद्र मोदी ने चीना में क्या बोला, साउथ कोरिया में क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला, दोवा में क्या बोला, सारे बात को एक बार आईना देख के
जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस को राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, लेकिन तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने बयान पर, नरेंद्र मोदी को अपने बयान पर माफी मांगना चाहिए। जो साउथ कोरिया और तमाम जगहों पर बयान दिया गया, ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए बस में अभी अभी यहाँ पर पहुंचे थे। ये सामने जेपी नड्डा का घर है, घर के ठीक बाहर जो है ये तमाम प्रदर्शन चल रहा है। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी को संसद में माइक बंद कर दिया जाता है और जेपी नड्डा गड्ढा खोदने का काम करते हैं औरतों के पल्लू के पीछे छुपकर, ये राहुल जी के ऊपर वार कर रहे हैं। ये राहुल जी देश के जो असल मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, माइक बंद कर देते हैं, ईडी के दफ्तर जा रहे हैं कि टूल किट का हिस्सा है राहुल गांधी। असल टूल का हिस्सा अगर कोई है तो वो जेपी नड्डा जी है। विदेशों में जो इनके टूल किट चल रहे हैं इनके ये भागीदारी है और ये जनता की आवाज को बैठा हुआ उठा। देखिए ये तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन करके ले जाया गया बस में। जेपी नड्डा के घर के बाहर पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ता। 24 अगस्त रोड से तमाम कार्यकर्ता चलते हुए एक हाथ में जो है वो बैनर पोस्टर, दूसरे हाथ में जो है शीशा ले रखा था और कह रहे हैं कि इस शीशे में देखिए नड्डा जी अपने चेहरे को कि कौन देशभक्त है और कौन देश विरोधी है। लेकिन साफ तौर से कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कि अब राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगने वाले, नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगना चाहिए जिस तरीके से साउथ कोरिया और तमाम जगहों पर उन्होंने बयान दिया।